Good morning, students. As you can see, we have completed exercise 11.1 of measurement of capacity chapter. Now we have moved to exercise 11.2. So I have cut down this question number 1 and 2 because these two questions are out of syllabus. So we will start from question number 3. So let's start. Three large containers of water, each holding 15 liter 500 milliliter, are poured in a water tank. So how much water is in the tank? तो बेटा यहाँ पे ये बता रहा है कि three मतलब तीन containers जो हैं जिसमें each मतलब होता है one, तो एक container की capacity है 15 liter 500 milliliter, तो उसके हिसाब से तीन कंटेनर्स की कितनी कैपेसिटी हो जाएगी. तो हम लोग क्या करेंगे, 15 लीटर 500 मिलीलीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि तीन कंटेनर्स की कितनी कैपेसिटी है. तो वही वो पूछ रहा है कि हाउ मच वाटर इज इन द टैंक. तो पहले कंटेनर की जो भी कैपेसिटी, जो एक कंटेनर होगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 15 लीटर 500 मिलीलीटर, उतनी ही दूसरी की भी होगी 15 लीटर 500, उतनी ही तीसरी की भी होगी 15 लीटर 500 मिलीलीटर. तो तीनों कंटेनर्स को उसको टैंक में भरना है, तो टैंक में कितना पानी भर जाएगा, तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो पता चल जाएगा टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी है. या फिर 15 लीटर को 3 बार ऐड करें, तो उससे अच्छा है कि मल्टीप्लाई करना. आई हैव डन दिस. थ्री वाटर कंटेनर्स इज इक्वल टू 15 लीटर 500 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 3. तो कैसे मैंने वर्किंग यहां पे दिखा दी है, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, तो आंसर आया 46 लीटर 500 मिलीलीटर. तो 46 लीटर 500 मिलीलीटर. नाउ डेसिमल प्लेस, ये डेसिमल प्लेस मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये जो लीटर और मिलीलीटर को सेपरेट करता है. ठीक है. इन द सेम वे द सेकेंड क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इन द सेम वे. The next question says that 15 empty jars are to be filled with mixed fruit jam. बेटा यहाँ पे हमें इस पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है कि उसमें वाटर है कि मिक्सड फ्रूट जैम है कि ऑयल है कि मिल्क है क्या है, ये नहीं. हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इस बात पे कि हमें वहां पे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 15 empty jars मतलब खाली जार्स हैं, और कितने हैं, 15 हैं. आर टू बी फिल्ड मतलब उनको भरा जाना है, अभी भरा जाएगा, अभी खाली उनको भरना है. किस चीज से, मिक्स फ्रूट जैम से. हाउ मच जैम विल बी रिक्वायर्ड इफ ईच जार कैन होल्ड 2 लीटर 250 मिलीलीटर. अगर एक जार, ईच मीन्स एक, वन, अगर एक जार की कैपेसिटी इतनी है तो 15 जार्स की कैपेसिटी कितनी होगी. तो ये मोर देन वन से पूछ रहा था, यानी मल्टीप्लाई करेंगे. तो वही मैंने यहाँ पे किया. क्वेश्चन नंबर 4, कैपेसिटी ऑफ वन जार इज इक्वल टू 2 लीटर 250 मिलीलीटर. ये देखो यहाँ पे ईच जार लिखा था ना, ईच जार की कैपेसिटी इतनी है, तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी, कैपेसिटी ऑफ वन जार इज इक्वल टू 2 लीटर 250 मिलीलीटर. देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ 15 जार इज इक्वल टू, अब 15 जार की पूछी तो 15 मल्टीप्लाई बाय वन जार की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 लीटर 250 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 15. तो ये वर्किंग मैंने कर दी है, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया है 33 लीटर 750 मिलीलीटर. यहाँ पे आप यहाँ डेसिमल भी लगा सकते हो और यहाँ पे इज इक्वल टू ये लिख सकते हो 33 लीटर 750 मिलीलीटर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. रश्मि नीड्स 6 कंटेनर्स Which can hold 15 लीटर 600 मिलीलीटर ऑयल. रश्मि के पास कितने कंटेनर्स है, 6 कंटेनर्स हैं. विच कैन होल्ड अब ये जहां पे जो ये वर्ड है विच कैन होल्ड, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये पूरे 6 कंटेनर्स के बारे में बात कर रहा है. रश्मि नीड 6 कंटेनर्स विच कैन होल्ड 15 लीटर 600 मिलीलीटर ऑयल. तो ये जो 6 कंटेनर्स को मिलाकर टोटल ऑयल जो है वो है कितना, 15 लीटर 600 मिलीलीटर. Find the capacity of each container. Each means one container. तो अभी उसने कितने, 6 containers की total capacity दे रखी है,
अब हमें एक कंटेनर की निकालनी है, तो अब एक कंटेनर की निकालनी है जिसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा. तो दैट आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन नंबर 5. टोटल कैपेसिटी ऑफ 6 कंटेनर्स इज इक्वल टू 15 लीटर 600 मिलीलीटर, जो दे रखा है बुक में. देयरफोर कैपेसिटी ऑफ 1 कंटेनर विल बी इक्वल टू यही जिस कैपेसिटी को यहां लिखा है 15 लीटर 600 मिलीलीटर डिवाइड बाय सिक्स कर देंगे तो एक की निकल आएगी. तो वर्किंग मैंने कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया 15.600 मैंने लिख दिया 15 लीटर 600 मिलीलीटर. 6 2s are 12, 3 रिमाइंडर विल बी 3. सो एंड दिस इज 0, 3. ओके, देन वी विल ब्रिंग 6 ओवर हियर. नाउ 36 एंड 6 6s are 36. So here it will be 6. 6 6s are 36. Then 0, 0. Okay. So here it will be 6. So, and again we will bring 0 here. Then we put 1 again 0. Then again 0 here. Then again 0 put here. So all become zeros. So answer will be 2 liter 600 milliliter. 2 liter and 600 milliliters. Okay. 2 liter and 600 milliliter. So thank you, children.